नमस्कार, मैं तापुषी। आज हम राजभोग बनाएंगे। राजभोग बनाने के लिए हमने यहाँ 1 लीटर दूध लिए है और नींबू का रस है, इसमें 1 नींबू का रस है। इसमें हम थोड़ा पानी मिलाए हैं, थोड़ा सा फूड कलर है, पिस्ते और काजू का पेस्ट बनाए हैं, दरदरा कूट लिए हम, और 1/2 कप दूध है और 2 कप और 1/2 कप चीनी है। तो दूध को हमने पहले अच्छा से उबाल लिए, अब इस दूध को हमें फाड़ना है, छाना बनाना है। तो हम अभी इसको उबाल के रखे हैं, 1-2 मिनट बाद हम इसमें छेना बनाएंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालेंगे। एक साथ पूरा रस डालना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा सा और डालेंगे। फिर से चलाएंगे इसको। इसी तरह से चलाते रहना है और थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालना है, एक साथ नहीं डालना है। देखिए, छेना तैयार हो गया। इस तरह से छेना बनाने से छेना सॉफ्ट होता है और रसगुल्ले भी इससे बहुत सॉफ्ट रसगुल्ले बनेंगे। अब हम एक छाननी में सूती कपड़ा बिछाकर हम छेना को छान लेंगे। ऊपर से ठंडा पानी डाल के छेना को हम थोड़ा साफ कर लेंगे, इससे नींबू का खटास भी चले जाएगा और छेना भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। देखिए, छेना का पानी अच्छा से निचोड़ कर निकालना है, थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए। आप इसको 10 मिनट के लिए कोई भारी सामान इसका ऊपर दे के रख सकते हैं, जिससे पानी पूरा निकल जाएगा। दस मिनट बाद हम छेना को निकाल लेते हैं। देखिए, छेना एकदम पानी निकल गया छेना से। अब हम इसको अच्छा से मसलना है छेना को। छेना को मसलने से पहले हम चीनी का चाशनी बना लेते हैं। एक बर्तन में हम चीनी डालेंगे। यहाँ हमने 2 कप और 1/2 कप चीनी लिए। इसमें हम 5 कप पानी डालेंगे और 1 कप पानी हम बचा कर रखेंगे।
उसको हम बाद में डालेंगे, रसगुल्ला उबलते टाइम उसको हम डालेंगे। जब तक हमारा चाशनी बने हम रसगुल्ला को बना लेते हैं। पहले हम थोड़ा स्टफिंग में थोड़ा सा छेना मिला कर रखेंगे। अब हम छेना को अच्छा से मसलना है, इस तरह से हथेली से देखिए अच्छा से छेना को मसलना है। 5 मिनट इसी तरह से मसलना है। इस तरह से हथेली से अच्छा से दबा कर इसको मसलना है। चीनी को भी बीच बीच में हम चलाएंगे। गैस का फ्लेम एकदम धीमी रखना है। देखिए हमने छेना का बॉल बना लिया। छेना को अच्छा से मसलने का बाद 7-8 मिनट मसलना है। उसके बाद गोल गोल बॉल बना लिए। इधर चाशनी भी तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे जिससे चीनी में कुछ मैल रहे तो वो आसानी से निकल जाए। चीनी का मैल साइड से हम निकाल लेते हैं। देखिए इसको फेंक देना है। इस तरह से सारी मैल निकाल के फेंक देना है। इससे चाशनी भी हमारी साफ हो जाती है। चीनी में जितना भी मैल था सब निकल गया। हमने अब बॉल में स्टफिंग भरेंगे। बॉल को इस तरह से थोड़ा सा दबाकर हम थोड़ा सा काजू और पिस्ता का स्टफिंग अंदर में डाल के उसको फिर से बंद कर देते हैं। फिर से बॉल को इस तरह से गोल करके बनाना है। दूसरा बॉल भी इसी तरह से बनाएंगे हम। अच्छा से इसको बंद कर देना है। इस तरह से सारे बॉल को हम बना लेंगे। हमने सारे रसगुल्ले में स्टफिंग भर लिए। चीनी भी हमने अच्छा से उबालना है। चीनी को गैस को हाई फ्लेम में रखना है। इसमें अच्छा से उबाल आने पर, झाग बनने पर हम इसमें रसगुल्ला डालेंगे। देखिए अब हम इसमें एक एक रसगुल्ला डालेंगे। एक साथ छोड़ना नहीं है, एक एक करके छोड़ना है। अब हम रसगुल्ले को 10 मिनट के लिए ढक देंगे और इसको हाई फ्लेम में उबलना है। रसगुल्ले बन गया और सिरका भी थोड़ा कम हो गया। अब हम गैस का फ्लेम धीमी कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। 1 कप पानी जो हमने रखा था
वही पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। 10 मिनट और इसको उबालना है धीमी आंच पर। देखिए रसगुल्ला का साइज डबल हो गया। इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसी तरह से हम पानी डालते जाएंगे। एक चम्मच करके पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है एक संग। इसी तरह से 10 मिनट हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए इसको बनाएंगे धीमी आंच में। देखिए हमारा रसगुल्ला तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। 10 मिनट हम ढक कर हाई फ्लेम में इसको बनाया और उसके बाद ढक्कन खोल कर हमने लो फ्लेम में थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए इसको बनाया। अब हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, सर्व करेंगे। गैस ऑफ कर देते हैं। देखिए हमारा रसगुल्ला तैयार है। अब हम इसमें, ये थोड़ा ठंडा हो गया, अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालते हैं जिससे राजभोग में कलर आ जाए। इस तरह से थोड़ा सा कलर डाल देते हैं। देखिए ये मेरा राजभोग बन गया। इसको अभी 10-20 मिनट ऐसा ही रहना है, इसका कलर अंदर तक जाए। इस तरह से राजभोग आप भी बनाइए और खाइए। अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।